नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। मेरे साथ बैठी हैं आज नरगिस, और आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने चाहेंगे जो काफी ज्यादा प्रचलित है। कईयों का ये मानना है कि हम जितने भी शोज देखते हैं जो ये बताते हैं कि ये रियलिटी शोज हैं, पर ये कितने रियल हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए आपको मैं उदाहरण देता हूँ। बिग बॉस अभी हाल ही में हुआ, बिग बॉस ओटीटी हुआ, इसके जो विनर बनी है उसको लेकर कई लोगों का मानना है कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था और बहुत पहले से ही ये डिसाइड हो चुका था कि फाइनली विनर यही इंसान बनने वाला है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी का जो फिनाले है वो भी हुआ भी नहीं है, और जो उसका विनर है वो पहले ही सामने आ चुका है, जिसको लेकर हम आप बात करेंगे। और यही हमारी आज का मुद्दा होगा कि क्या ये शोज जो ये बोलते हैं कि हम रियलिटी शोज हैं, हम जो हैं बिल्कुल अनबायस्ड हैं, क्या ये सच में अनबायस्ड हैं भी, या हम लोगों को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। तो नरगिस आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जिस तरीके से अगर बात करें बिग बॉस ओटीटी की, बिग बॉस ओटीटी की अगर बात करें या फिर बिग बॉस की बात करें, दोनों में ही फैंस वोट किसी और को करते हैं, लेकिन विनर किसी और को बना दिया जाता है। और बाद में बोला जाता है कि किसी को बोला जाता है कलर्स का फेम है, जिसकी वजह से उन्हें बिग बॉस में का विनर बनाया गया। और यही बात करें खतरों के खिलाड़ी की, अभी फिनाले नहीं हुआ लेकिन फिनाले से पहले ही विनर का नाम घोषित कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और यही जनता बोलती है कि हमने वोट किसी और को किया लेकिन विनर किसी और को बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चैनल ये शोज जो होते हैं उन्हें बायस बोला जाता है। तो ये बिल्कुल जो शोज हैं ये बायस हैं, और इस तरह की कई सारी बातें जो हैं बाहर के लोग ही नहीं, इस शो में जो कंटेस्टेंट रह जो बाहर आते हैं वो भी ये बात कहते हैं। कई सारे कंटेस्टेंट जैसे बिग बॉस अग्रवाल ने भी बात बोली बाहर आकर। बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में जब बिग बॉस ओटीटी का शो चल रहा था, अक्षरा ने, दिव्या ने, मूस ने, कईयों ने बात बोली है कि ऑलरेडी इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहले ही बता दिया जाता है कि आप विनर होंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको बस थोड़ा सा एंटरटेन करना है, आपको हम निकाल देंगे, आपको इतने पैसे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो जाती है और हमें लगता है कि सब कुछ रियल है और सब कुछ रियल टाइम पे चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगर खतरों के खिलाड़ी की, खतरों के खिलाड़ी का अभी फिनाले हुआ भी नहीं है, ये सैटरडे संडे को जो होगा इसका फिनाले होगा, इसको लेकर नरगिस आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसके विनर हैं वो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, उन्होंने तो पार्टी शार्टी करना भी शुरू कर दी है, उनको लोग कंग्रेचुलेट करना भी शुरू कर दिया है। और अगर आप YouTube पे या Google पे सर्च करेंगे तो आपको तो अभी से उनका विनर जो है मिल जाएंगे। तो ये कहां तक सही है नरगिस? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि विनर जब तक हमारा फिनाले नहीं हो उससे पहले तुमने विनर घोषित कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जनता अगर आपको देख रही है तो अगर जिसको उसने वोट करा है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विनर भी ऐसे इंसान को बना जिन्होंने स्टंट ही नहीं किया है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, उसे विनर बनाया गया। जबकि हम पूरे बात करें खतरों के खिलाड़ी की, जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की अगर बात करें, सबसे ज्यादा विशाल की बात करें, दिव्यांका त्रिपाठी की बात करें, वरुण की बात करें, ये तीन कंटेस्टेंट ऐसे थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते थे, लेकिन जो विनर बना है शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे वो सुन करके कि विनर कौन बना इस वक्त खतरों के खिलाड़ी का। तो दोस्तों आपको भी जान के हैरानगी होगी, शायद आप जान चुके होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्जुन बिजलानी इस शो के विनर आने वाले एपिसोड में हम उन्हें देखेंगे। ये बात अभी से ही आउट हो चुकी है, जो कि बहुत अजीब बात है, और कईयों को लग रहा है कि शायद ये बात सच ना हो, लेकिन कई ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अर्जुन बिजलानी ही शो की ट्रॉफी लेने वाले हैं और जो मनी प्राइज है वो लेने वाले हैं। और अर्जुन ने तो पार्टी भी शुरू कर दी है, इसकी फोटोज और वीडियोज भी अब सामने आ रही हैं। तो अर्जुन कहां किस हद तक वो डिजर्व करते थे इस शो को जीतना, इस क्वेश्चन पे कई सारे लोगों ने जो है सवाल उठाए हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि अर्जुन बिजलानी तो काफी वीक कंटेस्टेंट थे, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे। देखिए बिल्कुल वो वीक बहुत ज्यादा नजर आता, जब भी उन्हें कोई टास्क दिया जाता था वो सिर्फ स्विमिंग वाला टास्क था जो अच्छे से करते हुए नजर आते थे, बाकी उन्हें ऊंचाई से डर लगता था, वो टास्क भी अच्छे से नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी ने उनकी तारीफ करी थी कि वो लड़का पहले टास्क करता है, ऐसा नहीं कि वो मना करते थे टास्क करने से पहले। काफी बिग बॉस हमने देखे, निक्की तंबोली का जिक्र कर लेते हैं कि वो टास्क करने से पहले ही बोलती थी मुझे ये टास्क नहीं करना, वो कोशिश ही नहीं करती थी। लेकिन अर्जुन मिजलानी ऐसे हैं जो कोशिश करते थे टास्क पूरा करने की लेकिन वो कर नहीं पाते थे। तो रोहित शेट्टी ने उनकी तारीफ करी थी कि पहला ऐसा कंटेस्टेंट आया है खतरों के खिलाड़ी में, मुझे उसकी एक बात अच्छी लगती है कि ये लड़का कभी भी टास्क के लिए मना नहीं करता, भले ही से कोई भी टास्क दिया जाए ये परफॉर्म करता है वो टास्क, भले ही हारे या जीते वो बात की बात है लेकिन ये करता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात जिस तरीके से बोली जा रही है, अर्जुन बिजलानी जो है विनर बन चुके हैं, विनर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनसे जो अच्छे कंटेस्टेंट है जैसे मैंने दिव्या अग्रवाल का नाम लिया, विशाल का नाम लिया, ये दोनों डिजर्व करते हैं खतरों के खिलाड़ी ट्रॉफी। पर अर्जुन बिजलानी जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, मुझे नहीं लगता ये डिसीजन जो लिया है बहुत ज्यादा सही है, मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी को ना बनाकर तुमने अर्जुन बिजलानी को बना दिया, जो मुझे सही नहीं लगता। और आपके साथ कई ऐसे लोग हैं जिनको सही नहीं लगता है, और यही कारण है कि इस तरह के सवाल बार बार उठते हैं कि ये शो किस हद तक रियल है।
कहने को तो खुद को ये रियलिटी शो कहलाते हैं, लेकिन क्या सच में ये रियलिटी शोज हैं? दोस्तों आपको बता दें कि इस शो की बात कर ले, अगर खतरों के खिलाड़ी की बात कर ले, तो खुद जो होस्ट थे, जो इस शो के होस्ट हैं, उन्होंने भी कई बार बात कही है कि विशाल या दिव्यांका में से कोई डिजर्व करेगा शो जीतना। और दिव्यांका की तो बहुत ज्यादा तारीफ हमने शुरू से ही देखी थी, और उन्होंने हाल ही में जब टिकट टू फिनाले भी जीत लिया था तो लोगों को काफी हद तक लगा था कि वहीं शायद जीत जाएंगी, और वो डिजर्विंग भी थी। कई लोगों को लगता है कि दिव्यांका ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है और वो डिजर्व करती है टाइटल, माफ कीजिएगा। लेकिन जहां अर्जुन बिजलानी की बात की जाए, तो अर्जुन बिजलानी जब से विनर बने हैं तब से लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, और लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास इन तरह के शो से उठता जा रहा है। तो इसको लेकर नरगिस, आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर हम शोज देखेंगे और इनमें इस तरह के ये लोगों को विनर बना देते हैं जो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, तो कहां हद तक किसी सही है ये? देखिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें अगर कोई कंटेस्टेंट, किसी भी बिग बॉस की बात करें, खतरों के खिलाड़ी की बात करें, अगर किसी शो में, रियलिटी शो में कोई कंटेस्टेंट आया है तो जो डिजर्विंग है उसे ही विनर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी को भी विनर बना के रख दो। अभी जैसे बात करें, महासंगम चल रहा था, डांस दीवाने पर खतरों के खिलाड़ी का शो शूट हो रहा था, तो वहां पर माधुरी दीक्षित ने बोला था कि जिस तरीके से उन्होंने देखा कि अरे दिव्यांका त्रिपाठी को, उन्होंने बोला कि आज मुझे पता चला है कि तुम्हें धाकड़ गर्ल क्यों कहते हो, क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी ने जो डांस कर रहे थे कंटेस्टेंट, उन्हें अपने शोल्डर पे बैठा करके खड़ी हो गई थी वहां पर। अच्छा। तो उन्होंने ये बात बोली माधुरी दीक्षित ने कि आज मुझे पता चला है कि तुम्हें रोहित शेट्टी हमेशा ही धाकड़ गर्ल क्यों कहते, क्योंकि तुम हो सच में धाकड़। जिस तरीके से तुम बिना डरे, जो तुमने कभी किया नहीं वो तुम आज करके दिखा रही हो। खैर कीड़े मकोड़ों की तो बात छोड़ देते हैं, लेकिन जो तुमने आज करके दिखाया, मेरे लिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ती चली गई। तो ये बहुत अच्छी बात नरगिस ने की है। जहां तक बात की जाए खतरों के खिलाड़ी की विनर की, तो कई सारे लोग शायद एग्री नहीं करेंगे कि वो डिजर्विंग थे, लेकिन जहां तक बात की जाए बिग बॉस की, तो दिव्या के लिए काफी सारा सपोर्ट हमने देखा है। दिव्या डिजर्विंग थी, अगर बिग बॉस में दिव्या जीती है तो वो डिजर्विंग थी, और कहीं ना कहीं प्रतीक सेजपाल भी। लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार अगर बिग बॉस ओटीटी का जो विनर है उसके बाद वो बिग बॉस में नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी खबरें आ रही है कि दिव्या को दोबारा बिग बॉस में एंट्री मिल रही है, जबकि एक बार जब कोई कंटेस्टेंट आ चुका है बिग बॉस में, दोबारा उसे एंट्री मिल नहीं सके, क्योंकि उन्होंने वो ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन बोला जा रहा है कि वो एंटरटेन अच्छा करती है कंटेस्ट लोगों को, और जो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, इसकी वजह से उन्होंने दोबारा बिग बॉस में एंट्री की खबरें आ रही है। तो बिग बॉस के जो टीवी वाला शो आएगा उसमें भी दिव्या दिखने वाली है। आप देखिए इन शोज की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये खुद रूल्स बनाते हैं और फिर ये खुद इन रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं। इनके रूल्स की कोई मर्यादा नहीं होती है, वो इसीलिए क्योंकि इनको जो सही लगता है वही कर देते हैं। नहीं, अगर जैसे हम बात करें बिग बॉस अगर 14 की बात करें, वहां पर काफी कंटेस्टेंट आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे और लड़ाई भी करते, धक्का मुक्की भी होती थी, लेकिन इस बार जिशान ने करा प्रतीक के साथ, उसे तुरंत ही घर से बेघर कर दिया गया। बहुत ज्यादा गलत है ये चीज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जिसकी वजह से जो उनके ऑडियंस हैं, जो फैन हैं, उनका दिल टूट जाता है और उन्हें लगता है कि भैया ये फेयर गेम नहीं है, और जहां तक ये अपने आप को रियलिटी शोज का टैग देते रहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये कहीं से भी रियल नहीं है और स्क्रिप्टेड है। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी राय जो हमने इस शो के बारे में हमने लगता था, हमने आपके साथ शेयर की है। आपकी क्या राय है, क्या आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है या आपकी कुछ अलग ओपिनियन है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मुझे और नरगिस को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।